फिरोजाबाद जिले में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को जगह जगह कार्यक्रम हुए। स्कूल में राष्ट्रीय गान के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं ध्वजारोहण कर देश रक्षा की शपथ दिलाई गई। 74वें गणतंत्र दिवस पर राज गवर्नमेंट परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और किस तरीके का आयोजन हुआ आज? आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों में बड़ा उत्साह है और उसके प्रति देशभक्त गीत एवं कविताओं के माध्यम से आज को इस दिन को हम लोग मना रहे हैं। Because on this day, our contribution was enforced. It is not a day of celebration. It is a day of remembrance and veneration. Friends, सुबह देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी बच्चों को आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं बेस्ट लक बोलना चाहता हूँ। रिपब्लिक डे, आज़ादी के बाद रिपब्लिक डे हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन। बिना कानून की व्यवस्था, बिना रिपब्लिक के संसार का कोई काम भी नहीं हो सकता है। हर पल हमें नियम कानून का पालन करना चाहिए। ज्ञानदीप प्रांगण में बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारे बच्चे जो आने वाले वक्त के नागरिक हैं, मौसम ठंडा है इसके बावजूद भी इनका उत्साह बहुत उफान पे है। मेरी ईश्वर से तमन्ना है कि हमारे देश का ये गणतंत्र सदियों तक चलता रहे, सदैव उन्नति करे। और मेरे भाई बंधु सारे जो मेरे सामने भी खड़े हैं, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और सादगी पूर्वक शास्त्री जी जैसे, मोदी जी जैसे, अंबेडकर जैसे बने। आज जो है गणतंत्र दिवस जो 74वें जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे ज्ञानदीप सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जो है आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ पे बच्चों को जो है झंडारोहण किया गया उनके साथ में। आज बसंत पंचमी का ही पर्व है जो विद्या की देवी जो है सरस्वती का भी दिन आज है। आज का दिन बहुत ही पावन है। हमारे विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी छात्र छात्राएं बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। बसंत पंचमी के आज बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी के उत्सव पर सभी कार्यक्रम को सभी सफल बनाने के लिए हम लोग वेद परिवार में डीआर परिवार की फैमिली और सभी मिलकर के हमारे सब संवाददाता और सभी अधिकारी जो SDM साहब चीफ गेस्ट हैं वो उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी जो भी हमारे बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं वो बड़ा चढ़ कर के और बड़े उल्लास के साथ अच्छे सहयोग कर रहे हैं। दिवस के मौके पर न्यू सिटी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। इसमें मुख्य अतिथि विजय प्रताप छोटू यादव है, उन्होंने आकर कीमती समय दिया और सभी पत्रिका और क्षेत्रवासियों ने हमारे विद्यालय में आकर समय दिया, इसके लिए हम उनके लिए बहुत आभारी हैं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शुरू देते हैं। आज 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं और इसी संविधान लागू होने के बाद से हम लोगों को अधिकार मिला अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनने का, वोट देने का, MLA बनाने का, प्रधान नगर पालिका का चुनाव। संविधान लागू होने के बाद ही हम लोगों को अधिकार मिला है और अपनी बात को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में या जो भी हम लोग समझते हैं कि ये बात है हम लोगों के हित के लिए, इसे हमें संघर्ष करना चाहिए। मेरे विद्यालय में आज गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी का कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और हमारे मुख्य अतिथि जी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, प्रबंधक श्री प्रकाश चंद गुप्ता जी और अध्यक्ष श्री मित्रेश कुमार गुप्ता जी सम्मिलित थे और कार्यक्रम का समारोह करीब हमारे
दो घंटे का कार्यक्रम करा, काफी उत्साहवर्धन कार्यक्रम रहा। पब्लिक स्कूल है, मातृभाष शाखा सभा सुखा द्वारा संचालित है। ये चैरिटेबल स्कूल है, इसमें लगभग आज 200 के करीब बच्चे हैं और विद्यालय को मातृभाष शाखा सभा के सहयोग से ही चलाया जाता है। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम हुआ और इसमें मुख्य अतिथि रहे जो बाबू बैज कुमार गुप्ता, इस स्कूल को प्रबंधक श्री विकास सिंह जी मक्खनपुर द्वारा विशेष सहयोग से मेहनत के बड़ी मेहनत के बाद आज ये विद्यालय अच्छे परिणाम दे रहा है।